खबर झांसी जनपद से, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर झांसी जिले में सभी राजनीतिक दलों ने जनसंपर्क की गति तेज कर दी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के सभी नेता एवं कार्यकर्ता अपने अपने स्तर से जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। झांसी की चारों विधानसभा सीटों को जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी मऊ रानीपुर विधानसभा के प्रत्याशी तिलक चंद अहिरवार का तूफानी जनसंपर्क भी लगातार जारी है। आज तिलक चंद अहिरवार ने अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष नवाब खान के साथ मऊ रानीपुर के कटेरा गांव के साथ और भी अन्य गांव का जनसंपर्क किया। इस दौरान तिलक चंद अहिरवार ने बताया, मऊ रानीपुर में मुझे सभी धर्म जातियों का अपार समर्थन मिल रहा है। अगर मैं चुनाव जीता तो मऊ रानीपुर की जनता के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा और मऊ रानीपुर के अंदर विकास की एक नई लहर देखने को मिलेगी। इस दौरान हाफिज महमूद अली, हाफिज इमाम, बख्श रमाकांत पटेल, मनोज गौतम, निसार खान, योगेश जैन, विनोद कुशवाहा के साथ और भी अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनाव का दौर है, समाजवादी पार्टी को अगर आपको मिलकर जिताना है, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है और तिलक चंद अहिरवार को विधायक बनाना है, कौन को अन्य समाज को भी समाजवादी पार्टी को जिता के लाभ मिल पाएगा, अन्य जातियों से जो लाभ मिलेगा और मुसलमान से जो लाभ मिलेगा वो किसी पार्टी में नहीं मिल पाएगा। ये कौन को और अन्य कौन को सबको एक नजर से देखने वाले हैं और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने के बाद सारी विकास की योजनाएं लेके आने वाले हैं, जिसका किसी से कोई बराबरी नहीं है। समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अखिलेश जी को साइकिल का बटन दबा के हम और आपको सरकार बनाना है। सरकार बनते ही सभी योजनाएं अखिलेश जी की चालू हो जाएंगी, जिन योजनाओं से गरीब, किसान, मजदूर सभी को लाभ मिलेगा।